अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो सब? और मेरे फ्रेंड्स और सब यार पे दी तो मैंने सुना था यार, असाइनमेंट आई हुई है CS604 की। मेरी भी जाहिर सी बात है, मेरी भी वो बुक है, तो हो नहीं थी रही कुछ स्टूडेंट्स से जो मेरे जैसे नालायक हैं उनसे हो नहीं थी रही, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो गाइज, आज हम करेंगे CS604 की असाइनमेंट। तो सिंपली जो जो मैं कही जाता हूँ वो करी जाओ, ठीक है? बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी और पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सबसे पहले आपने करना है यूबंटू डाउनलोड, उससे भी पहले आपने करना है ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। यहाँ से सीधा आपने आना है और ये प्राइम वीडियो पर नहीं आना, आपने यहाँ आना है और यहाँ आपने लिखना है वर्चुअल बॉक्स। सिर्फ इतना सा लिखना है, यहाँ वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने इतना बड़ा डाउनलोड आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ से डाउनलोड विंडोज़ होस्ट के लिए डाउनलोड करना है, यहाँ से ओके कर देना है। मतलब ये नहीं आएगा आपका डाउनलोड आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है गाइस? वो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर दूसरा आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका जो सा असाइनमेंट है ना ये, ठीक है गाइस, इसमें दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों को छोड़ो। इसमें उन्होंने नीचे ही यहाँ लिंक दिया था, ये देखो ये दिया हुआ है, यहाँ सिंपली क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया है और उन्होंने क्या, ओके, मैंने ओके करना है। अच्छा, ओके करने के बाद एक और विंडो आ जाएगी। अच्छा, ये ओपन हो रहा है, वेट अ मिनट। अच्छा, ये हो गया ना। अब यहाँ यहाँ लिखा होगा ये यूबंटू, यहाँ से सिर्फ मैंने कंट्रोल प्रेस करके ओके किया और ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यूबंटू आपने डाउनलोड कर लेना है और उसे रख लेना है सी जहाँ भी, मतलब डाउनलोड होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जहाँ मर्जी डाउनलोड करो, चिल मारो, जब वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब आपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ये वर्चुअल बॉक्स ऐसा कुछ व्यू आएगा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं। अगर कोई भी मसला है ना तो सीधा मुझे यूट्यूब पे मैसेज मत करना, क्योंकि मुझे कभी यूट्यूब पे मैसेज मिले नहीं है और थैंक गॉड के वहाँ पे मैसेज कर भी नहीं सकता। तो आप मुझे मैसेज ये रिप्लाई कमेंट्स में बता देना, कोई मसला आ रहा है, किसी का भी कोई मसला भी आ रहा होगा तो मैं इंडेक्स से ही सही कर दूंगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक वैसे भी एक 24-48 घंटे रह गए होंगे आपके पास, कितने हैं, 24-48 घंटे रह गए हैं। आज का दिन है, आज 24 डेट है और कल 25 एक्सटेंडेड भी हमें मिल जाएगी। खैर, आपने ये इंस्टॉल करना है, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ आपने कोई भी नाम लिख दे, मैं यू बन टू लिख देता हूँ। जब मैं यूबंटू लिखूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, यूबंटू। यहाँ से मैंने नेक्स्ट करना है, वगैरह, ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट करते जाना, आपने करते जाना करते जाना, कुछ भी अंदर छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है। जब नेक्स्ट करते जाओगे ना तो वो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेटिंग पे जाना है, सिर्फ लास्ट काम है, यहाँ तक पहुँच जाओगे बस, इंशाल्लाह पहुँच जाओगे। यहाँ आपका एम्प्टी लिखा होगा, आपने यहाँ आना है, चूज़ करना है और यहाँ से आपने आपका वो आ जाएगा, आपका यहाँ से आप इसे भी कर सकते हो, चूज़ फ्रॉम डिस्क। ये जो सा आपने यूबंटू डाउनलोड किया होगा ना 1.5 GB का, इसे आपने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इसमें रही, और इसमें कुछ भी सेटिंग आपने नहीं करनी, ठीक है, बाकी सब ठीक है, चिल्ला साहब, ओके हो गया, यहाँ से ओके कर देना है, सिर्फ इतना सा काम है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ आके यहाँ स्टार्ट लिखा होगा, मेरा शो लिखा है, आपका स्टार्ट लिखा होगा, आपने इसे शो कर देना है, मतलब स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब वेट करो, और Core i5 में, Core i7 में ये अच्छा चलेगा, Core i3 में थोड़ा सा लैग होगा, खैर कोई मसला नहीं है, ये मसला ये भी नहीं है मसला। अच्छा ठीक होगा गाइस। अब सबसे पहले क्या है, वो कह रहा है के ना भाई, राइट द सी प्रोग्राम इन विच द पेरेंट प्रोसेस ब्लै 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 ब्लै, ठीक है, तो समझ तो आ गई होगी आपको इसने क्या कहा। इसने सिंपल सा कहा कि यार एक कोड लिख के दो मुझे, ठीक है, एक कोड लिखो और उस वो कोड आपने यहाँ भी पेस्ट करना है, ठीक है गाइस। पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यार, जो सी मज़े की चीज़ वो ये है कि हम ना किसी को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है इन द चाइल्ड प्रोसेस, दो प्रोसेस हमने बनाने हैं, इन द चाइल्ड प्रोसेस यू नीड टू प्रिंट द टेबल डिपेंडिंग ऑन योर लास्ट। अच्छा, आपकी आईडी जैसी भी है, MCBC जैसी भी है, उसका जो सा लास्ट डिजिट है ना उसका टेबल आपने लिख के शो करवाना है, ठीक है, सिर्फ ये इतना सा प्रॉब्लम है कि उसका टेबल आपने लिख के शो करवाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपने कहना है पेरेंट प्रोसेस बनाना है, ठीक है, वो भी ईजी है।
सपोज अच्छा अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये आपके सामने एक ये आपके सामने उम्मीद है नहीं आएगा, इसे मिनिमाइज करो, इसे भी मिनिमाइज करो, इसे भी मिनिमाइज करो, ये आपके सामने आएगा आपका डेस्कटॉप। ठीक है गाइस, आपका जब डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा आपने क्या करना है, आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही होगी ये सबके सामने आ रहा होगा, यहाँ आपने लिखना है, बल्कि इसे भी छोड़ो, अच्छा आपने राइट क्लिक करना है, ओपन टर्मिनल करना है, ये ओपन टर्मिनल है। ठीक है, ये टर्मिनल शो हो गया, आपको भी बिल्कुल ऐसे शो हो रहा होगा। आपने यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले आपने एडिट करना है, जी एडिट, यहाँ आपकी जौन सी भी आईडी होगी आपने वो लिखनी है, जैसे कि मेरी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके गाइस, यहाँ मेरी अगर सपोज ये आईडी है, ये मैंने लिखनी है .c, .c क्या शो करवा रहा है कि ये C++ की फाइल है। ओके किया, ठीक है गाइस, जब मैंने ओके करना है ना आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये फाइल शो होगी। अब आपने क्या करना है, ये जो सा कोड है ना ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ये कोड है। ठीक है, इसे कंट्रोल एस कर देना है। ओके गाइस, और कोई मसला नहीं है इसमें, बस इसे कंट्रोल एस करना है। अब ये हो गया कंट्रोल एस, यही कोड था, बस इतना से कोड लिखना है आपने, मैं कोई कोड को समझाऊंगा नहीं, बस ये मैं आपको जगह दे देता हूँ, आप देखते जाओ कोड को लिखते जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है गाइस, तो अब आपने क्या करना है, आप सिंपली यहाँ आप लिखो GCC। ठीक है, अब यहाँ जो सी भी आपने वो बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 .c -o, फिर वही BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .out। ठीक है, ओके किया, ये हो गया काम। अब आपने इतना एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये स्निपिंग ऑन करके स्क्रीनशॉट लेना है, और आपने जो सी भी फाइल बनाई होगी वहाँ आपने दूसरे नंबर पे पेस्ट करना है। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ जो सा मैंने कोड लिखवाया ना वो आपने पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, पहले वाले में आपने क्या करना है, यहाँ जो भी कोड लिखा होगा ना आपने, जो सा मैंने आपको कोड बताया है वो आपने यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ स्क्रीनशॉट, तीन स्क्रीनशॉट देने हैं। ठीक हो गया, पहला स्क्रीनशॉट फर्स्टली कंपाइल प्रोग्राम, ये आपका कंपाइल हो गया है, यहाँ आपका कंपाइल हो गया है, एक स्क्रीनशॉट हो गया, डन हो गया गाइस। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट, अच्छा तो ये आपका कोड है, यहाँ आप ये मैंने पहले एडिट किया था, खैर यहाँ आप लिखो ABC, अच्छा ये आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया गाइस, और यहाँ लिख लो सना सीनियर। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये यहाँ यहाँ लास्ट जो सा डिजिट है वो 9 है, हम यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ भी 9 लिखते हैं। ठीक है गाइस, ओके किया, सेव किया, कंट्रोल ऐसे सेव होगा यहाँ भी। अब यहाँ .slash BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .out। तो गाइस ये बस इतना सा काम था, बस कोई एरर नहीं आया, कोई चीज़ नहीं है और आवाम लगी हुई है, नहीं अरसा ही लगा गया आवाम ने, आवाम से हो ही नहीं रहा। ये देखो इन द पेरेंट प्रोसेस में ये आ गया, इन द चाइल्ड प्रोसेस में ये आ गया, अब जो सी आपकी थी ये बिल्कुल सेम है, इन पेरेंट प्रोसेस इन चाइल्ड प्रोसेस, नीचे वाला चाइल्ड प्रोसेस वो भी आ गया, ऊपर वाला भी आ गया। ठीक है, ये भी हो गया, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है इतने से का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, दो स्क्रीनशॉट हो गए, वो दोनों पेस्ट कर देने हैं। अब नेक्स्ट वाला PWD लिखना है यहाँ, ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपको उन्होंने बताई होगी कमांड MKDIR। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखना है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने पहले नाम लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सना स्पेस दिए बगैर सीनियर। ओके किया, अब MKDIR
यहाँ वही आईडी अपनी ओके किया मैंने, ठीक है गाइस। ये पता क्या हो रहा है, ये आपके फोल्डर्स बन रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप पे, ये देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सनासी सनासी में, ठीक हो गया। ये आपके दो बन गए फोल्डर, सॉरी इसे नहीं काउंट करना, इसे करना था। अच्छा अब लास्ट काम है जो सा एल एस शो करवाना है, एल एस लिखा, ये आपकी सारी की सारी लिस्ट आ गई। लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ये आपका आईडी है, ठीक है, एक ये फोल्ड, एक ये है फाइल आपकी सी शॉप की, ये आपका फोल्डर जो सा बनाया हमने, और ये सी शॉप की फाइल, सी शॉप कह रहा हूँ, सी प्लस प्लस की फाइल है, ठीक है गाइस। ये बस इतना सा, और इसका स्क्रीन शॉट लेना, इतने से का ये 300 स्क्रीन शॉट क्लियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसे क्लियर करो, एग्जिट करो बस। और ये थी आपकी असाइनमेंट जो सी आपने ये यूबंटू में बनानी थी, और मज़े की बात यह है कि यूबंटू में आप हैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी उल्टा सीधा काम कर सकते हो यहाँ, और तो चिल मारो, बस इतना सा काम था आपका। तो आवाम कह रही थी हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो ये बस इतना सही था मेरा, 2 घंटे भी नहीं लगे होंगे मुझे लगता, मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, और ये मेरी असाइनमेंट आई हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये उबंटू इंस्टॉल की है, मैंने 2016 में पंगे लिए थे, उसके बाद फिर आज की है, टाइम ही नहीं मिला कभी। खैर बस ये इतना सही काम था, और इसे सबमिट करो और चिल मारो, ठीक है। कोड आप यहीं, मैंने इतनी देर पॉज किया और यहाँ पॉज करो, और छोटा सा कोड है, देख लो लिख लो बस, और कुछ नहीं है। अल्लाह हाफिज़।